निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दो दिनों की हड़ताल का असर अब एटीएम पर भी दिखने लगा है। पटना के कई एटीएम बंद है और कई एटीएम में पैसे नहीं है और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि कई एटीएम में ताला लगा दिया गया है। आप इसमें जरा गौर से देखिए, ताला लगा है, लोग यहां से वापस जा रहे हैं। एटीएम का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगू बालम ने। और संवाददाता मरगूब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मरगूब, कई एटीएम बंद है, कई एटीएम में पैसे नहीं है, बंद का कैसा असर देखने को मिल रहा है, आज दूसरा दिन है? देखिए, निश्चित तौर पर आपको भी पता है ऋषि कि जब कोई हड़ताल होती है तो उसका सबसे बुरा असर आम जनता पर पड़ता है। बिल्कुल, ट्रेड यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मियों की दो दिन हड़ताल कल और आज हालात ऐसे हैं कि आज कई एटीएम में पैसे नहीं है, कई एटीएम तो बंद कर दिए गए। इस पूरे मामले को ऐसे समझिए आपकी निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों का हल्ला बोल है, एलआईसी कर्मियों का हल्ला बोल है, जीपीओ कर्मियों का हल्ला बोल है। और इन्होंने तो चेतावनी अब सरकार को दिया है कि सरकार इस दो दिनों के हड़ताल के बाद भी नहीं समझी तो आने वाले दिनों में पूरी तरह से बैंक में हड़ताल हो जाएगा। सवाल सीधा है कि आम लोग कैसे बर्दाश्त करें। अब आप समझिए कि लगभग 1,000 करोड़ तो हम कर सकते हैं अलावा बैंक का ट्रांजेक्शन होगा, अन्य बैंकों की तरफ छोड़ दीजिए, क्या हालात है, एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे हैं, लोगों का ट्रांजेक्शन रुक गया है, बिजनेसमैन का ट्रांजेक्शन रुक गया है, हालात इतने ख़राब हैं कि बैंक पूरे बैंकों में ताला लगा हुआ है, बैंक कर्मी सड़क पर हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। समझना होगा, निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी बहुत है। आज सुबह से जब मैं घूम रहा था तो कई ऐसे एटीएम हैं, यूनियन बैंक का एटीएम है, कह सकते हैं कि कई अन्य एटीएम है, यहाँ तक कि जो प्राइवेट बैंक के एटीएम है उन पर भी असर पड़ा है, वहाँ भी पैसे की कमी देखी जा रही है। कई एटीएम ऐसे हैं कि जहाँ अगर आप जाएंगे तो लाइन लगा हुआ है, वहाँ आपको पैसे नहीं मिल पाएंगे। तो बिल्कुल उर्वशी, कहीं ना कहीं लोगों को बहुत परेशानी है और आज इस पूरे परेशानी से लोगों को रूबरू होना ही पड़ेगा। और आज चूँकि अंतिम दिन है तो आज बैंक कर्मियों का कहना है कि आज सरकार को एक आखिरी अल्टीमेटम दिया जाएगा कि सरकार ने अगर हमारी मांगों को नहीं सुना तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। और विषय दिन है मरगूब, और कल की बात कर ले तो कल भी इसका व्यापक असर देखने को मिला, आम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखो ऋषि, निश्चित तौर पर परेशानी तो चारों तरफ है। अब आप समझिए, एलआईसी में काम नहीं हो रहा है, जीपीओ में काम नहीं हो रहा है, बैंक में काम नहीं हो रहा है, एटीएम में लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 20 करोड़, जो हमारे पास अभी जानकारी आई है, 20 करोड़ पूरे कह सकते हैं कि काम करने वाले जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। अब 20 करोड़ का मतलब आप समझ सकती हैं कि कितनी बड़ी तादाद है, 125 करोड़ भारत की संख्या, 20 करोड़ कर्मी बैंक हड़ताल पे हैं, वो एलआईसी में हड़ताल पे हैं, वो इंश्योरेंस में हड़ताल पे हैं, वो बीमा में हड़ताल पे हैं, वो जीपीओ में हड़ताल पर हैं, बैंकों में हड़ताल पर हैं, विभिन्न वैसे संगठन हैं जो भारत सरकार के जो ट्रेड यूनियन से संबंधित वहाँ हड़ताल है। तो हालात बिल्कुल बदतर हैं पूरे भारत की बात करें तो, बिहार में, पटना में तो बहुत खास है, पटना में जब एटीएम बंद हो रहे हैं, बंद हो गए तो अन्य जिलों में क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। अन्य जिलों की स्थिति बस से बदतर है, जो हमारे पास जानकारी आ रही है कि एकाद एटीएम को छोड़ के कहीं पैसे नहीं है। तो बिल्कुल लोगों को आज भी इस हालात से रूबरू होना पड़ेगा। कल शाम तक स्थिति समान होने की लग रहा है कि समान हो पाएगा, क्योंकि कल से जब सुबह से जब एटीएम में पैसे डालने शुरू होंगे तो दोपहर के बाद स्थिति समान होगी, लेकिन दो दिन निश्चित तौर पर उम्मीद भी है मरगूब की स्थिति समान हो जाए, क्योंकि आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस हड़ताल की वजह से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।